हे गाइस, वेलकम बैक टू बीस्ट कार। आज मैं लेकर नया वीडियो ऑन किया कार्निवल। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है दोस्तों। इसमें एक्सट्री एंट्री और प्राइसिंग बारे में बात करेंगे दोस्तों। उस पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिस में बेल को ऑल कर दीजिए और लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा आपको दोस्तों लाइक बटन, वो भी दबा दीजिए दोस्तों। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इंस्टाग्राम में हमको फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे फ्रंट लुक मिलता है दोस्तों आपको किया कार्निवल का। फ्रंट में आपको दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं आप, प्रोजेक्टर, एलईडी हेडलैम्प्स, जो आपको डीआरएल मिल जाता है दोस्तों, देख सकते हैं आप। जैसे कि इंडिकेटर का सेक्शन आ गया दोस्तों, देख सकते हैं आप। जैसे कि इधर नीचे आपको मिल जाता है दोस्तों आइस क्यूब में फॉग लैम्प्स दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं आप। जैसे कि इधर आपको क्रोम का यूज़ किया गया फुल्ली और ब्लैक पियानो फिनिश दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं आप इधर। जैसे कि आपको टोचन के लिए दिया गया दोस्तों, किया नोज सिग्नेचर ग्रिल मिल जाएगा दोस्तों फ्रंट पे, देख सकते हैं आप। जैसे कि इधर आपको मिल जाता है दोस्तों किया की ब्रांडिंग, और ये नंबर प्लेट सेक्शन आ गया दोस्तों। बम्पर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है आपको दोस्तों, देख सकते हैं आप। और स्किड प्लेस मिल जाएगा दोस्तों फ्रंट पे, देख सकते हैं आप। जैसे कि और आपको 18 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील डिज़ाइन में मिल जाएगा दोस्तों। और चार डिस्क ब्रेक्स मिल जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं आप। जैसे कि फ्रंट में आपको इधर दिया गया दोस्तों किया कि बैजिंग मिल जाएगी दोस्तों, जो आपको मिल जाता है। फ्रंट सस्पेंशन देख सकते हैं आप, जैसे कि दोस्तों इसमें आपको ऑटो का बैजिंग दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। जैसे कि इधर से आपको फुल्ली एंडिंग तक आपको फुल्ली क्रोम दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। जैसे कि एंडिंग पॉइंट तक आपको मिल जाएगा क्रोम। और दोस्तों इसमें आपको चारों डोर्स पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं आप। जैसे कि और मिरर आपको और भी हमारे साथ फोल्डेबल मिल जाता है दोस्तों, देख सकते हैं आप। जैसे कि और अनफोल्ड भी हो जाता है, और ऊपर आपको सनरूफ दिया गया है दोनों साइड, पैसेंजर साइड के लिए भी दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। जैसे कि और रूफ रिल्स मिल जाएगा आपको सिल्वर कलर ट्रीटमेंट में, रूफ रिल्स दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। जैसे कि और रियर डोर आप इधर से खोल सकते हो, देख सकते हैं आप। जैसे कि ऑटोमेटिकली ओपन होता है दोस्तों, देख सकते हैं आप। जैसे कि इधर से आप बंद कर सकते हो डोर को। और दोस्तों आपको 180 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाएगा किया कार्निवल में, देख सकते हैं आप। जैसे कि रियर में भी आपको 18 इंच का टायर मिलेगा विथ अलॉय डिज़ाइन में, देख सकते हैं आप। जैसे कि इधर आपको किया की बैजिंग मिल जाएगी, या कि आपका रियर सस्पेंशन। चलिए अब रियर साइड चलते हैं। ये आ गया रियर का लुक। दोस्तों आपको फुल्ली एलईडी डिज़ाइन में लाइट्स दिया गया, देख सकते हैं आप, टेल लैंप। और इस साइड आपको इंडिकेटर्स दिया गया है, रिवर्स लाइट मिल जाएगा दोस्तों, किया की ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको। रियर में डिफॉगर दिया गया है, ऊपर आपको मिल जाता है दोस्तों स्टॉप लैंप और सर्फिन एंटीना मिल जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं आप। जैसे कि रियर वाइपर्स आ गया ये, इधर आपको मिल जाता है रिवर्स कैमरा, इधर आपको दिया गया दोस्तों लैंप्स, नंबर प्लेट लैंप, कार्निवल की बैजिंग मिल जाएगी दोस्तों इधर, देख सकते हैं आप। जैसे कि और दोस्तों इधर आपको मिल जाएगी लिमोनो सैनिंग की बैजिंग, देख सकते हैं आप। जैसे कि इधर आपको ब्रश मिल जाता है कुछ भी सामान देखने के, और रियर्स में आपको सेंसर्स दिया गया, चार सेंसर्स मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर्स दिया गया दोनों साइड मिल जाएगा आपको, और रियर स्किड प्लेट्स दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं आप। जैसे कि और इस साइड आपको मिल जाता है फ्यूल के लिए साइन, देख सकते हैं आप, डीजल इंजन के लिए फ्यूल के लिए साइन दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं आप इधर दोस्तों। ये आ गया फ्यूल, देख सकते हैं आप इधर, डीजल के लिए दिए गए और एड ब्लू, भैया हमको बताएंगे। एड ब्लू बेसिकली यूरिया का एक लिक्विड होता है, जो कि 2000 सीसी की जो गाड़ियाँ होती है, इंजन कैपेसिटी 2000 सीसी से ऊपर के जो भी इंजन ऑप्शन होंगे डीजल में, उसमें एक ये सब्स्टिट्यूट की तरह डलता है, जो कि एग्जॉस्ट गैसेस में जो भी कार्बन मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको कंट्रोल करता है। तो दोस्तों चलिए अब फ्रंट बोनट खोल कर देखते हैं।
दोस्तों इसमें आपको फ्रंट बॉर्नर पे इंसुलेशन के लिए दिए गए देख सकते हैं आप, जैसे कि दोस्तों, और यह आ गया आपका इंजन CRDI i16V का दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं आप जैसे कि। इंजन कवर है दोस्तों, देख सकते हैं आप जैसे कि, और यहाँ का आपका इंजन देख सकते हैं आप जैसे कि, इस साइड आपको मिल जाता है दोस्तों इंजन ऑयल ब्रेक ऑयल का सेक्शन आ गया ये, और वॉशर सेक्शन मिल जाएगा दोस्तों, और कपलर सेक्शन मिल जाएगा उस साइड देख सकते हैं आप जैसे कि। चार सिलेंडर मिल जाएगा दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप जैसे कि, रेडियर सेक्शन आ गया आप दोस्त सकते हैं, आपको स्विच बॉक्स सेक्शन मिल जाएगा, कपलर सेक्शन एंड बैटरी सेक्शन मिल जाएगा दोस्तों, और इसमें आपको मिलता है 2200 का इंजन मिलेगा दोस्तों। चलिए अब इंटीरियर साइड चलते हैं, कुछ ऐसे कीस मिलती है देख सकते हैं आप जैसे कि। इसमें जो फंक्शंस मिलेंगे, सबसे पहला है लॉक देन अनलॉक, डोर्स के लिए, बोथ डोर्स के लिए इंडिपेंडेंस में स्विच दिया हुआ है, आप इससे ही डोर्स को लॉक अनलॉक ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। देन जो टेलगेट के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है वो भी इसमें दिया हुआ है, जिसको आप कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे तो जो टेलगेट है वो लॉक और अनलॉक हो जाएगा। और दोस्तों इसमें आपको सिल्वर कलर ट्रीटमेंट दिया गया है देख सकते हैं आप डोर हैंडल्स पे, और इधर रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है दोस्तों देख सकते हैं आप जैसे कि। इसमें दोस्तों आपको ड्यूअल टोन ट्रीटमेंट के साथ आता है, बेज कलर एंड ब्लैक कलर के साथ देख सकते हैं आप जैसे कि। और दोस्तों इधर आपको मिल जाता है क्रोम कलर, क्रोम में डोर हैंडल्स एंड लॉक अनलॉक के लिए इधर दिया गया दोस्तों, पूरी लेदर रैप दिया गया है दोस्तों देख सकते हैं आप जैसे कुशंस, और इधर आपको दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश, और इधर आपको मिल जाता है दोस्तों वन टच डाउन का फीचर मिल जाता है एंड वन टच अप का फीचर दिया गया दोस्तों देख सकते हैं आप। चारों डोर के लिए मिल जाएगा दोस्तों, चारों डोर पावर विंडोज है, और इधर से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाएगा दोस्तों, इधर से आप मिरर को फोल्ड कर सकते हो देख सकते हैं आप जैसे कि, दोनों साइड अनफोल्ड भी कर सकते हो, और ये आगे मिरर्स का कंट्रोल, जैसे आपको एडजस्ट करना है मिरर इधर से एडजस्ट कर सकते हो, एंड इफ यू वांट टू एडजस्ट लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड इधर से एडजस्ट कर सकते हो देख सकते हैं आप जैसे कि। और दोस्तों इसमें आपको स्पीकर्स टोटली आपको मिलता 8, उसमें से 5 स्पीकर्स रहेगा, 2 ट्विटर्स एंड 1 विल बी योर सबवूफर, और इधर आपको स्पेस दिया गया दोस्तों, कप होल्डर का स्पेस मिल जाएगा आपको देख सकते हैं आप जैसे कि, रिफ्लेक्टर दिया गया दोस्तों देख सकते हैं आप इधर जैसे कि, ये क्या आपका सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रहेगा सीट देख सकते हैं आप जैसे कि, इधर आपको मिलता है दोस्तों ये सीट, आप बैक साइड फॉरवर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट साइड भी लीन कर सकते हो आप, और इधर से आप सीट को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हो आप देख सकते हैं आप जैसे कि। और दोस्तों इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाता है देख सकते हो आप जैसे कि, और आपको थाई सपोर्ट के लिए भी दिया गया है दोस्तों देख सकते हैं आप इधर जैसे कि। प्लम्बर सपोर्ट मिल जाएगा दोस्तों जैसे देख सकते हैं आप जैसे कि इधर, और आपको ड्राइवर साइड वेंटिलेटेड सीट्स दिया गया दोस्तों देख सकते हैं आप जैसे कि, और फ्रंट में आपको दिया गया दोस्तों किया गया आपका किया का स्टेयरिंग व्हील, इसमें आपको मिल जाता है दोस्तों टिल्ट एंड टेलीस्कोप के फीचर मिल जाएगा दोस्तों देख सकते हैं आप जैसे कि, इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोप का फीचर दिया गया दोस्तों देख सकते हैं आप जैसे कि, और इसमें आपको मोड्स का कंट्रोल दिया गया दोस्तों, वॉल्यूम कंट्रोल्स, कॉल पिक, कॉल ड्रॉप एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का कंट्रोल्स मिल जाएगा दोस्तों, किया की ब्रांडिंग मिल जाएगी, 6 एयरबैग्स मिलता है दोस्तों इसमें, इधर एयरबैग का बैजिंग मिल जाएगी आपको, और साइड भी आपको मिल जाएगी एयरबैग की बैजिंग देख सकते हैं आप जैसे कि, औरंग साउंड सुन सकते हैं आप जैसे कि। और दोस्तों इसमें आपको क्रूज कंट्रोल दिया गया है, जैसे कि आप 80 की स्पीड पर जा रहे हो, जब क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट कर दे तो प्लस पे तो 80, 81, 82, 83 जाएगा, जैसे आप माइनस दबाओगे तो 79, 78 ऐसे होता है, अगर आपको क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट करना है इधर से डीएक्टिवेट एक्टिवेट कर सकते हो दोस्तों देख सकते हैं आप जैसे कि। और इसमें आपको दिया गया दोस्तों राइट साइड में हेडलैम्प लेवलर मिल जाएगा दोस्तों देख सकते हैं आप जैसे कि, एंड लेफ्ट साइड में मिल जाएगा आपको वाइपर्स का कंट्रोल, फ्रंट एंड रियर वाइपर्स मिल जाएगा दोस्तों देख सकते हैं आप जैसे कि, इधर आपको मिल जाता है दोस्तों कंट्रोल्स ऑफ हेडलैम्प लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा दोस्तों, और दोस्तों इधर से आप लाइट्स ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो इधर देख सकते हो आप, इल्यूमिनेशन बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो, और इधर आपको एसी का 220 वाट का दिया गया देख सकते हो आप, इधर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन्स दिया गया है दोस्तों, और ये आ गया एसी विंस देख सकते हो आप, 4 एसी विंस फ्रंट में दिया गया दोस्तों देख सकते हो आप जैसे कि, और इधर आपको मिल जाता है दोस्तों आरपीएम मीटर लेफ्ट साइड पे दिया गया है विथ कोल्ड हॉट का फीचर दिया गया है जो रहता है टेम्परेचर, और इस साइड आपको मिल जाता है दोस्तों स्पीडोमीटर, और नीचे आपको दिया गया है
फ्यूल का एफिशिएंसी कितना है वो, और बीच में जो स्क्रीन है आपको 4.2 इंचेस का आपको स्क्रीन मिलता है। और दोस्तों ये आगे आपको 4.2 इंच का डिस्प्ले देख सकते हैं आप, जैसे कि इसमें आपको कंपास का दिया गया है, ड्राइव टू डू डिस्प्ले, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, डोर लाइट, साउंड का फीचर्स एक्स्ट्रा दिया गया, टेम्परेचर मिल जाएगा नीचे देख सकते हैं आप जैसे कि। और दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है डिस्प्ले देख सकते हैं आप जैसे कि 18 इंच का डिस्प्ले दिया गया दोस्तों। और इधर आपको मिल जाएगा आपको स्टार्ट स्टॉप को मिल जाता है दोस्तों देख सकते हैं आप जैसे कि इधर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। और दोस्तों इसमें नेविगेशन भी मिल जाता है दोस्तों, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर्स भी दिए, यूओ कनेक्ट भी मिल जाता है, और जो स्पीकर है हरमन कनेक्ट का मिल जाता है दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप जैसे कि। और इसमें फोन ड्राइव इन्फो मिल जाता है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, फेवरेट्स, यूओ कनेक्ट के साथ आता है वो दोस्तों। और स्मार्ट प्यूरीफायर मिल जाता है, एयर प्यूरीफायर, रेडियो मिल जाता है दोस्तों, मीडिया, मैप, क्लाइमेट सेटिंग्स मिल जाएगा, यूएसबी वीडियो नेविगेशन के लिए दिया गया दोस्तों, और वॉइस मेन्यू मिल जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको म्यूजिक का साउंड सुनना है तो म्यूजिक साउंड टेस्ट करेंगे आप दोस्तों, चलिए म्यूजिक साउंड सुनते हैं। फ्रंट में आपको सब ऊपर दिया गया दोस्तों देख सकते हैं आप जैसे कि। काफी अच्छा साउंड देख सकते हैं आप जैसे कि दोस्तों, हाई क्वालिटी वाला साउंड हारमन कनेक्ट का मिल जाता है दोस्तों इस पे। और इसमें आपको ब्राउनिश कलर में फिनिश दिया गया दोस्तों देख सकते हैं आप जैसे कि। इधर एसी विंस में आपको फुल क्रोम का यूज किया गया देख सकते हैं आप जैसे कि। और एसी विंस भी दोस्तों फुल्ली ऑटोमेटिक एसी विंस मिलेगा दोस्तों इस पे देख सकते हैं आप जैसे कि। इधर आपको हेजेड लाइट का फीचर दिया गया है, सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाएगा दोस्तों, क्लाइमेट कंट्रोल्स दिया गया है, और फैंस का कंट्रोल, रियर मोड ऑफ, फ्रंट, रियर ऑन, रियर लॉक, सब चीज़ दिया गया, फीचर्स देख सकते हैं। इधर भी आपको फुली ब्लैक पियानो फिनिश दिया गया दोस्तों देख सकते हैं आप जैसे कि। और इधर आपको मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट देख सकते हैं आप, इधर वायरलेस चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, और यूएसबी के कनेक्ट मिल जाएगा इधर देख सकते हैं आप इधर। और यह आ गया आपका गियर लीवर देख सकते हैं आप जैसे कि, इसमें आपको पार्किंग का दिया गया दोस्तों। सर बताएंगे हमको जैसे कि इसमें जो मोड्स दिए हुए, उसमें फर्स्ट है पार्किंग, सेकेंड रिवर्स, थर्ड न्यूट्रल, एंड फोर्थ ड्राइव। ड्राइव मोड में लेने के बाद आप इसे जो है वो मैन्युअली भी शिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें प्लस और माइनस जो इंडिकेशन देता है ये गियर्स को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए है। जैसा कि कंसोल पे अगले जो स्विचेस आपको देख रहे हैं, जैसे एक्टिव इको, जैसे अगर आप कहीं हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो और उस दौरान अगर आप फ्यूल कंजम्पशन और माइलेज को बेहतर बनाना चाहे तो आप इको मोड का यूज इसमें कर सकते हैं। देन जो वेंटिलेटेड सीट्स का स्विच जो है, जो ड्राइवर सीट वेंटिलेटेड रहेगी, ये उसके लिए इसमें कंट्रोल्स दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रिक पावर ब्रेक दिया, पार्किंग ब्रेक दिया हुआ है जो कि सिंगल क्लिक पे लॉक और अनलॉक करता है। ऑटो होल्ड जो है वो हिल स्टार्ट के लिए यूज होता है, जैसे आप अप हिल्स या डाउन हिल्स में अगर आप गाड़ी को खड़ी कर रहे हैं तो उस समय ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। देन फ्रंट पार्किंग सेंसर्स इसमें आते हैं, जिसके लिए स्विच दिया हुआ है जिसको आप एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और दोस्तों इधर आपको मिल जाता है कप होल्डर का दिया गया दोस्तों, दो
देख सकते हैं आप, जैसे कि स्पेस काफ़ी अच्छे दिया गया दोस्तों, और इसमें फुली क्रोम को यूज़ किया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ देख सकते हैं आप, जैसे कि दोस्तों आप कुछ स्पेस दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं आप, जैसे कि इसमें आपको लेदर रैप्ड आर्मरेस्ट दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं आप, जैसे कि इधर आपको मिल जाता है दोस्तों डिसेंट काफ़ी अच्छा स्पेस है दोस्तों, देख सकते हैं आप, जैसे कि इधर भी आपको स्पेस दिया गया, इधर भी स्पेस मिल जाएगा दोस्तों। विद 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं आप, जैसे कि 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा दोस्तों, एंड यूएसबी का भी मिल जाता है दोस्तों फास्ट चार्जिंग के साथ, देख सकते हैं आप, जैसे कि और दोस्तों इधर भी आपको मिल जाता है फास्ट चार्जिंग पोर्ट 12 वोल्ट का, देख सकते हैं आप, जैसे कि और ये आ गया आपका ग्लोव बॉक्स, ग्लोव बॉक्स में काफी अच्छा स्पेस दिया है दोस्तों, देख सकते हैं आप, जैसे कि और इसमें आपको कूल ग्लोव बॉक्स नहीं मिलता दोस्तों, इधर भी आपको ग्लोव बॉक्स दिखा है, देख सकते हैं आप, जैसे कि और दोस्तों इधर आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर्स, देख सकते हैं आप, जैसे कि वैनिटी मिरर दिया गया है दोस्तों इधर, विथ लैंप एलईडी लैंप दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप, जैसे कि इधर एलईडी लैंप्स मिल जाएगा आपको, और इस साइड भी आपको मिल जाता है दोस्तों, देख सकते हैं आप, लैंप्स विथ वैनिटी मिरर, 6 एयरबैग्स है दोस्तों इस पर, देख सकते हैं आप, जैसे कि और इधर दोस्तों आपको एलईडी लैंप्स दिया गया है रात में देखने के लिए, जैसे कुछ सामान वामान निकालने के लिए उसके लिए, और इधर आपको मिल जाता है ड्यूअल सनरूफ, इधर एक मिल जाएगा दोस्तों, और इधर एक मिल जाएगा आपको रियर पे, देख सकते हैं आप, जैसे कि आपको जैसे कि सनरूफ खोलना है तो इधर से खोल सकते हैं, ये रियर का खुल गया दोस्तों, एंड फ्रंट साइड का खोलना है तो इधर से खुल जाता है दोस्तों, देख सकते हैं आप, जैसे कि एंड फॉर क्लोजिंग ऑल्सो यू शुड डू फ्रॉम हियर ओनली, दोनों साइड का, एंड दोस्तों इधर आपको मिल जाता है पावर डोर्स का ऑफ करने के लिए दिया गया स्विचेस, एंड फॉर द रियर डोर्स यू विल बी गेटिंग योर कंट्रोल्स, एंड दिस फॉर लैंप्स, देख सकते हैं आप, जैसे कि इधर आपको रियर व्यू में जो बैठे रहते हैं उनको देखने के लिए इधर मिल जाता है व्यू, देख सकते हैं आप, जैसे कि दोस्तों चलिए अब रियर सीट पर चलते हैं। उससे पहले दोस्तों इधर आपको दिया गया है फ्यूल के लिए स्विच, अगर आपको फ्यूल का जो वो खोलने के लिए चाहिए तो इधर, और नीचे आपको एक डेड पेडल मिल जाएगा दोस्तों, एंड यू विल बी गेटिंग ओवर योर एक्सीलेटर एंड ब्रेक, ओके, एंड इधर आपको मिल जाता है फ्रंट बोनेट खोलने के लिए दोस्तों, एंड यू विल बी गेटिंग योर स्किड प्लेट्स, साइड में देख सकते हैं आप, जैसे कि एंड यू विल बी गेटिंग योर ऑल्सो ऑन प्लेट्स फॉर गाड़ी में बैठने के लिए मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा प्लेट्स, और दोस्तों इधर आपको फुटरेस्ट दिया गया देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों और सामने आपको सबवूफर दिया गया इधर देख सकते हैं आप, जैसे कि चलिए अब रियर सीट पर चलते हैं। चलिए आप रियर सीट पे चलते हैं, इसमें आपको ऑटोमेटिकली ओपन होता डोर देख सकते हैं आप, जैसे कि और इधर आपको प्लेट्स दिए गया देख सकते हैं आप, जैसे कि और इधर से दोस्तों तो दोस्तों भैया बताएंगे हमको, जैसे आप फॉरवर्ड कर सकते हो देख सकते हैं आप, जैसे कि और इधर से आप देख सकते हो फॉरवर्ड बैकवर्ड, और जो दूसरा स्विच है ये साइड में लेकर आने के लिए दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं आप, जैसे कि और एक और स्विच जो मिलता है आपको एक्स्ट्रा, ये काहे के लिए भैया, ये आपको जो फ्रंट टाई सपोर्ट के लिए दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं आप, जैसे कि और इधर आपको मिल जाता है पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए, और सारी सीट्स में आपको मिल जाता है हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं आप, जैसे कि और दोस्तों इसमें आपको 10 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, देख सकते हैं आप, किया कार्निवल में देख सकते हैं आप, जैसे कि इसमें आपको USB, YouTube, इंटरनेट, HDMI और मिररिंग सेटिंग्स दिया गया है, ऑप्शन बहुत सारा सेटिंग्स मिल जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं आप, जैसे कि और इसमें आपको दिया गया है AC विंस का कंट्रोल मिल जाएगा इस साइड से, देख सकते हैं आप, इधर से ग्रैब हैंडल पकड़ने के लिए मिल जाएगा, ये AC विंस आ गया आपका, और ये रियर लैंप्स आ गया देख सकते हैं आप, और ये सनरूफ का गार्ड देख सकते हैं आप, इधर ऊपर सनरूफ है,
और इधर आपको मिल जाता है एयर प्यूरिफायर, इसमें आपको लेवेंडर मिल जाता है दोस्तों, देख सकते हैं आप एयर प्यूरिफायर लेवेंडर फ्लेवर मिल जाएगा दोस्तों। और इधर मिल जाएगा दोस्तों आपको देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको मिल जाता है कप होल्डर स्पेस दिए गए दोस्तों, देख सकते हैं आप जैसे काफी अच्छा स्पेस है दोस्तों डिसेंट। और इसमें आपको मिल जाता है एसी 200 वाट जो मैक्सिमम वाट का आपको जो चार्जिंग पोर्ट्स रहता है उसका लिए मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग दिया गया दोस्तों। और इधर आपको मिल जाता है और इधर आपको एसी दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं आप। और सारी सीट पे आपको मैट दिया गया है और ये आ गया आपका ये पकने के रेस्ट वेस्ट जो भी लगना है के लिए। और जिसकी डोर आपको बंद करना तो इधर से एक बार टच करना पड़ेगा बस। और इसमें आपको सनब्लाइंड दिया गया है सारी सीट पे, देख सकते हैं आप जैसे कि सनब्लाइंड मिल जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं आप जैसे कि। और इधर से आप ऑटो डाउन का फीचर मिल जाएगा आपको एंड ऑटो अप का फीचर मिल जाएगा दोस्तों पर विंडोज पे। दोस्तों रियर में आपको इधर एक स्पीकर भी दिया गया, देख सकते हैं आप जैसे कि इधर आपको मिल जाता है कप होल्डर स्पेस मिल जाएगा दोस्तों। और इधर आपको मिल जाता है दोस्तों सनब्लाइंड, चारों डोर पे आपको मिल जाता है सनब्लाइंड्स चारों डोर पे। और इधर आपको दिया गया एसी वेंट्स एंड ग्रैब हैंडल्स पकड़ने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। इधर आपको एयरबैग का साइन आ गया और चार फ्रंट में मिल जाएगा आपको हेडरेस्ट हाइट एडजस्टेबल, रियर पे भी मिल जाता है हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, देख सकते हैं आप जैसे कि। और इधर एक लैंप भी दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं आप इधर एलईडी लैंप्स। और काफी अच्छा स्पेस है दोस्तों, आइसोफिक चाइल्ड माउंट्स का फीचर भी दिया गया दोस्तों। चलिए आप बूट खोल के देखते हैं रियर बूट, और डोर आप इधर से बंद कर सकते हो, देख सकते हैं आप जैसे कि। चलिए आप रियर बूट खोल के देखते हैं, 1 टच खुल जाता है, देख सकते हैं आप। एंड इधर आपको ग्रैब हैंडल्स पकड़ने के लिए दिया गया एंड फॉर डोर फिर से बंद करने के लिए ऑटो डाउन को मिल जाता है इधर, देख सकते हैं आप जैसे कि। और कैमरा आ गया इधर आपका, देख सकते हैं आप। दोस्तों इसमें आपको 540 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, सर हमको बताएंगे ये सीट कैसे फोल्ड करते हैं इस पर, देख सकते हैं आप जैसे कि। दोनों साइड की सीट फोल्ड कर दीजिए सर। दोस्तों देख सकते हैं आप जैसे कि मैसिव बूट स्पेस मिल जाता है दोस्तों इस पर, देख सकते हैं काफी बड़ा दिख रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। और जो 1060 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाएगा दोस्तों आप टोटल। और इसमें आपको VIP सीट दिया गया है जो रियर पे जो दिया गया है पूरा सीट्स। और इधर आपको चार्जिंग पोर्ट दिया गया दोस्तों 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट, देख सकते हैं आप जैसे कि। सो गाइस ये था पूरा रिव्यू ऑफ किया कार्निवल, टॉप ऑफ द लाइन वाले वेरिएंट है दोस्तों। मेक श्योर दैट आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देते हो चैनल को और बेल आइकन को दबा देते हो दोस्तों, एंड इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर दीजिए दोस्तों।